हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास एक्सेल की शीट में हम एक्सेल की शीट को किस तरीके से हम कोहा के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक बल्क अमाउंट में बुक्स का रिकॉर्ड एक्सेल की फॉर्मेट में बना हुआ है। अगर हम उसको चाह रहे हैं कि हम उसको कोहा के अंदर ऐड कर दें तो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो आज सीखेंगे हम। तो कोहा के अंदर जो है हम डायरेक्ट जो है एक्सेल की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, उस एक्सेल की फाइल को पहले हमें चेंज करना होगा मार्क की फॉर्मेट में। जब उसको हम मार्क की फॉर्मेट में चेंज कर चुके होंगे तो हम जो है उसको फिर शिफ्ट कर देंगे किसके अंदर, मार्क कोहा के अंदर। तो सबसे पहले जो हमें काम करना होगा वो ये करना होगा कि हमें अपने पीसी पर मार्क एडिट को डाउनलोड करना होगा। मार्क एडिट को डाउनलोड करने का तरीकेकार हमारे पास ये होगा कि हम गूगल पे जाके सिंपल हम लिखेंगे, गूगल पे जाते हैं पहले हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क एडिट 6। तो मार्क एडिट 6 जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मार्क डाउनलोड, मार्क एडिट डेवलपमेंट। इस पे सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें इसको विंडो में डाउनलोड करना है तो, और हमारे पास विंडो जो है वो है 64 बिट, तो हम यहाँ पे 64 बिट पे डाउनलोड करेंगे और इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी कर सकते हैं और ऑल यूज़र भी कर सकते हैं, तो हम ऑल यूज़र पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम सेव कर देंगे। सेव करेंगे उसके बाद जो है हमें रन करेंगे। रन करने के बाद जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर खुलेगा तो इस तरीके से हमारे पास ओपन हो जाएगा मार्क एडिट बाय टेरी रीस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल 8 चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले जिस चीज़ पे जाना है वो है हमारे पास डेलिमेट टेक्स्ट ट्रांसलेटर पे। इस पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल आ रहा है, सोर्स फाइल पे सिलेक्ट करेंगे और जिस फाइल को हमें सिलेक्ट करना है वो हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और वो हमारी एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे ऑल फाइल को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ऑल फाइल के नाम पे पूरी रिकॉर्ड खुल जाए। उसके बाद जो हमारे पास फाइल है वो है इस नाम से, मिस अदीला के नाम से, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आउटपुट फाइल पे जाएंगे, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और एमआरके की फाइल को, तो यहाँ पे एमआरके टेक्स्ट फाइल पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एमआरके के नाम से इसको सेव कर देते हैं। एमआरके 2 के नाम से सेव कर देता हूँ क्योंकि पहले से हमारे पास एक एमआरके फाइल बनी हुई है, तो एमआरके 2 और फिर हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद जो है शीट का नाम देना होगा हमें, जैसे कि मेरी शीट का नाम है शीट 1। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है आपके पास आर्गुमेंट में ऑटो जनरेट, मैं ऑटो जनरेट पे क्लिक करूँगा। ऑटो जनरेट पे जितनी भी फील्ड्स मैंने उसके अंदर ऐड करी हुई है उस एक्सेल शीट के अंदर, तो वो तमाम हमारी फील्ड यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है 082 $A और $B, इन दोनों को मुझे सेलेक्ट करके मुझे ज्वाइन करना होगा। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा मैं। उसके बाद नीचे आऊंगा, नीचे चेक करता हूँ कि और हमारे पास फील्ड कौन सी सेम है, तो हमारे पास ABC 245 $ABC, ये तीनों सेम है, इनको ज्वाइन कर दूंगा। इसी तरीके से 260 $A $B और फिर ये $C, इन तीनों को ज्वाइन करना होगा मुझे। उसके बाद 300 $A और 300 $B, ये दोनों है मेरे पास, इन दोनों को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद 952 $A $C $G $P $Y, इन सबको सेलेक्ट करके ज्वाइन करना होगा। ये जब हम ज्वाइन कर चुके होंगे तो फिर हमें डायरेक्ट बस अब फिनिश करना है। फिनिश करेंगे तो हमारे पास MRK फाइल बन चुकी होगी। उसके बाद दूसरा जो काम हमें करना है वो उसको ये करना है कि हमें उस MRK फाइल को चेंज करना होगा MRC के अंदर, तो हम यहाँ मार्क टूल पे सेलेक्ट करेंगे।
इनपुट फाइल में सेलेक्ट करेंगे। इनपुट फाइल में जो हमने अभी एमआर के फाइल बनाई है उसको सेलेक्ट करना होगा, वो है हमारे पास, ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं एमआर के टू के नाम से। तो ये एमआर के टू के नाम से फाइल में पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके एमआर सी में रख दूंगा, और यहाँ पे के को हटा के मैं एमआर सी कर देता हूँ, एमआर सी टू। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन में मार्क ब्रेकर और मार्क मेकर आ रहा है, मैं मार्क मेकर पे क्लिक करूंगा और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्लोज करता हूँ, तो देखें आपके पास यहाँ पे दो फाइल आ चुकी हैं, एक एम आर सी और एक एम आर के, दोनों फाइल मेरे पास यहाँ पे बन चुकी हैं। अब इस फाइल को मैं अपलोड करूंगा किसके अंदर, अपने एक्सेल की फाइल के अंदर। अच्छा, मैं आपको वो फाइल दिखा दूँ कि मैंने जो उसके अंदर एम आर के फाइल बनाई है, वो है मेरे पास इस नाम से, मिर्जा दिला के नाम से। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि मेरे पास फाइल किस तरीके से बनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है तमाम वो फील्ड जो मैंने वहाँ पे ऑर्गूमेंट में रखी थी ऑटो जनरेट में, तो यहाँ पे आई हुई है, आई एस बी एन नंबर वगैरह ये तमाम चीज़ें। उसके बाद अच्छा ये देख लीजिएगा कि आपके पास जैसे कि 245 डॉलर ए, डॉलर बी, डॉलर सी। अब ये मेरे पास जो है पहले है टाइटल, उसके बाद है मेरे पास सब टाइटल, और फिर मेरे पास ऑथर है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे 245 डॉलर ए पे तो सिंपल हम टाइटल लिखेंगे, लेकिन बी पे जब हम सब टाइटल लिखेंगे तो उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जो है फिर हमें इसमें आगे काम करना होगा। उसके बाद 245 डॉलर सी पे जब हम जो है ऑथर की तरफ जाएंगे तो हमें उससे पहले लगाना पड़ेगा स्लैश और फिर बाय करना होगा। आगे भी देख लेते हैं इसी तरीके से। हमारे पर 260 डॉलर ए, बी और सी में, बी ए में जो है हमें कॉलन लगाना पड़ेगा और बी में हमें जो है फिर कॉमा लगाना होगा इस तरीके से। बाकी ये तमाम फील्ड्स हम उसके अंदर ऐड कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पर ये एम आर सी फाइल बनी है इसको हमें अपलोड करना होगा कोहा के अंदर। तो अब हम चलते हैं कोहा के ऊपर। तो ये हम आ गए हैं कोहा के अंदर, कोहा की विंडो पे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें जाना होगा वो है हमारे पास टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे पैटर्न एंड सर्कुलेशन है, कैटलॉग है, रीजनल टूल है। तो कैटलॉग में की लाइन में थर्ड लास्ट होगा हमारे पास स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट, यानी कि हमें जो मार्क का फॉर्मेट है वो इंपोर्ट करना है रिकॉर्ड को, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज फाइल्स, फाइल हमारे पास कौन सी है, एम आर के टू, एम आर सी टू। तो एम आर सी टू को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास इसको कमेंट देना होगा, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ इसको फाइल न्यू के नाम से। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है मेरे पास ये, इसको ऐसे ही रहने देंगे। मार्क फॉर्मेट में जाएगा ये हमारे पास, इसको भी एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्शन इफ मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, तो हम यहाँ इसको कर देते हैं ऐड इनकमिंग रिकॉर्ड। उसके बाद जो है ऑलवेज ऐड आइटम और स्टेज फॉर इम्पोर्ट। स्टेज फॉर इम्पोर्ट में जाने के बाद जो है, स्टेज फॉर इम्पोर्ट में जाने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर फाइल जो है आपकी इसके अंदर अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है सेवन रिकॉर्ड इन फाइल्स और सेवन रिकॉर्ड स्टेज्ड, और ये फिर हम मैनेज स्टेज रिकॉर्ड करेंगे।